नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि अगर आप लोग का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और इंटरनेट बैंकिंग आप लोग यूज कर रहे हो और आप लोग अपने इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड भूल जाते हो तो कैसे आप लोग उसे फिर से रीसेट कर सकते हो। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड कैसे आपको रीसेट करना है, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हो। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों इसके लिए तो सबसे पहले आप लोग को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल नेट बैंकिंग वेबसाइट ऑनलाइन sbi.com को ओपन कर लेना है। इसके बाद आप लोग को स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। यहाँ पे आप लोग को पर्सनल बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप लोग देखिए लॉगिन करने का ऑप्शन आप लोग को मिल जाता है, तो इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है लॉगिन के ऑप्शन पे। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पे देखिए आप लोग को राइट साइड में ब्लू कलर में लिखा होगा स्काई कलर में कंटिन्यू टू लॉगिन, इसी पे आप लोग को कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ आज की वीडियो में आप लोग को प्रोफाइल पासवर्ड रीसेट करने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को अपना यूजर नेम पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिलअप करके लॉगिन कर जाना है। तो जैसे आप लोग पासवर्ड वगैरह फिलअप करते लॉगिन करते हो यहाँ पे आप देखिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर देना। अगर बाय चांस ओटीपी ना आए तो क्लिक हियर टू रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करके फिर से आप लोग को ओटीपी मंगा लेना है। तो जैसे आप लोग ओटीपी फिलअप करके सबमिट करते हो आप लोग सक्सेसफुली अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर जाओगे। लॉगिन करने के बाद अगर आप लोग को प्रोफाइल पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए आप लोग को माई अकाउंट एंड प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है। पहला ये ऑप्शन है माई अकाउंट एंड प्रोफाइल का, तो इसी पर आप लोग को क्लिक देना माय अकाउंट एंड प्रोफाइल के ऑप्शन पे। तो जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, यहां पे आप लोग को स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और इस पेज पे आप देखिए आप लोग को सेकंड ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का, तो इसी प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना और इस पेज को भी आप लोग को स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। तो यहां पे राइट साइड में आप लोग देखिए आप लोग को सेकंड ऑप्शन मिल जाता है चेंज पासवर्ड का, तो चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने एक और न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पे आप लोग को स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग को अपना प्रोफाइल पासवर्ड मांग रहा है। तो अगर आप लोग को प्रोफाइल पासवर्ड भूल गए हो, आप लोग अपना फिर से रीसेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे जस्ट इसके नीचे देखिए फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो इसी फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड के ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और ओटीपी को आप लोग को यहाँ पे फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद आप लोग को सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पे देखिए आप लोग को अपना प्रोफाइल पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे चार मेथड बताए गए हैं, सॉरी तीन मेथड, यूजिंग हिंट, क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप लोगों ने जब प्रोफाइल पासवर्ड अपना क्रिएट करा होगा, याद करिएगा, तो उस समय आप लोग को एक क्वेश्चन आंसर दिया जाता है हिंट के लिए। अगर आप लोग को वो याद है तो आप लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है विजिटिंग ब्रांच, ये तो हमें करना नहीं है, ब्रांच में जाकर काफ़ी समय लॉस होता है। तीसरा ऑप्शन है अप्रूवल थ्रू एटीएम डेबिट कार्ड, यानी कि अगर आप लोग के पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, तो आप लोग घर बैठे आसानी से ही अपने प्रोफाइल पासवर्ड को कभी भी रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग को थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लोग थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और वहाँ पे आप लोग को अपने डेबिट कार्ड की सारी डिटेल्स फिलअप करनी होगी। यहाँ पे देखिए स्क्रॉल डाउन करके आप लोग को नीचे जाना है, सॉरी यहाँ पे अभी आप लोग को अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। जैसे कि कभी कभी होता ये है कि किसी के पास एक बैंक में मल्टीपल सेविंग अकाउंट होते हैं, तो यहाँ पे जितने भी अकाउंट रहेंगे वो यहाँ पे शो करने लगेंगे। मेरे पास एक ही अकाउंट हो तो यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे सेलेक्ट भी है, बट अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो जिस बैंक अकाउंट में आप लोग को इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड चेंज करना हो तो उसको आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, यहाँ पे देखिए जो भी एक्टिव कार्ड यानी कि आपका डेबिट कार्ड होगा यहाँ पे शो करेगा, आपके डेबिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड होल्डर्स का नेम यहाँ पे कार्ड टाइप में एक्टिव शो करेगा। तो अगर आप लोग को लगता है कि हाँ ये आपका डेबिट कार्ड है तो बस आप लोग को कन्फर्म, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को कन्फर्म कर देना है। जैसे आप लोग कन्फर्म करते हो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पर देखिए आप लोग को डेबिट कार्ड की पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी होगी। जैसे कि कार्ड नंबर तो पहले से ही फिलअप है, यहाँ पे आप लोग को वैलिडिटी यानी कि एक्सपायरी डेट फिलअप करना है, देन यहाँ पे आप लोग को कार्ड होल्डर नेम फिलअप करना है, इसके बाद आपके डेबिट कार्ड का पिन फिलअप करना है, इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया हुआ है इसको फिलअप करके प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे देखिए मैंने अपने डेबिट कार्ड की सारी डिटेल्स फिलअप कर दिया, इसी तरीके से आप लोग भी फिलअप करने के बाद प्रोसीड
कर देना है। तो जैसे आप लोग प्रोसीड करते हो, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पे देखिए आप लोग का जो आप लोग को एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए सक्सेस दिया गया है, रेफरेंस नंबर, स्टेटस और टाइम ऑफ वैलिडेशन। इसके जस्ट नीचे देखिए योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन इज सक्सेस। इसके बाद जस्ट करीब एक से दो सेकंड के बाद ही न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग को प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग अपना न्यू प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करके फिलअप कर देना। इसके साथ ही वही प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक बार फिर से री एंटर कर देना। इसके बाद जस्ट नीचे आप लोग को हिंट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद उसका आंसर इसके जस्ट नीचे आप दे सकते हो। इसके बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। दोस्तों प्रोफाइल पासवर्ड हो या फिर लॉगिन पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड क्रिएट करते समय आप लोग एक चीज़ का जरूर ख्याल रखिएगा कि पासवर्ड में आपके लोअर केस, अपर केस, स्पेशल करेक्टर और डिजिट्स यानी कि नंबर्स जरूर होने चाहिए, यानी कि पासवर्ड जो का आपका हाई सिक्योर होना चाहिए, तो तभी आपका पासवर्ड बन पाएगा। तो इस तरीके से आप लोग प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, न्यू चेंज कर सकते हो। मैंने आप लोग को बस डेमो दिखाने के लिए किया था, मैं यहाँ पे अपना प्रोफाइल पासवर्ड मुझे चेंज नहीं करना है, बट इतना ही बस आप लोग को करना है। यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करके फिलअप करना है, यहाँ पे कंफर्म करना है, हिंट क्वेश्चन का आंसर देना है, इसके बाद सबमिट कर देना। आपका प्रोफाइल पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज या फिर न्यू रीसेट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना से। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर देना। इस तरह अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।